वेलकम टू परी किचन। परी किचन में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे का हलवा। ये जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब हम देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए शुगर। शुगर को हम पैन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने चीनी 1 कप लिया है, तो मैं 2 कप वाटर यूज़ करूँगी। हमें सिर्फ चीनी को डिजॉल्व करना है 1 बॉईल आने तक। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो चाय के कप का भी यूज़ कर सकते या फिर बोल का भी यूज़ कर सकते। बस ध्यान रखिए कि सारा मेज़रमेंट एक ही बर्तन से होना चाहिए परफेक्ट आटा हलवा बनाने के लिए। यहाँ पर चीनी को हमें अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है। चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को हमें हल्की से स्मेल आने तक रोस्ट कर लेना है। आटे को लो से मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। बहुत से लोग आटे को डायरेक्ट घी में रोस्ट करते हैं। अगर आप पहले से हल्का सा ऐसा भून लेंगे ना, फिर इसे घी में डालेंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आटा हमारा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी पैन में हम डालेंगे घी। और डालेंगे हम बादाम और काजू। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने किशमिश भी फ्राई करके रख लिया था। ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे। उसी बर्तन में हम और थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालकर अब हम आटा डालेंगे। आटे को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। आटे को हमें लो से मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप घी की क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं। आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहना है, जब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। अगर घी की कमी लगे तो थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं। आटा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, इसे हम कुछ देर और पकाएंगे। आटा परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शीरा। शीरा डालकर हम इसे चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करके हम इसे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हलवे में से ऑयल सेपरेट हो चुका है। हलवा इतना सॉफ्ट हो चुका है, मुंह में डालते ही घुल जाए।
अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट के बाद अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट गेहूं के आटे का हलवा। इसी तरह की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।